भारतीय युवक संघ व शहीद रविंद्र सिंह परिवार के तत्वाधान में स्वर्गीय अंगद की स्मृति में जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोगों के द्वारा स्वर्गीय अंगद के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जिले के 90 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अंडर 9 में सौम्या शुक्ला विजेता और उप विजेता सवाया चौरसिया एवं तृतीय स्थान पर अवाया बर्नवाल रहे। वहीं मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने विजेता तथा उप विजेता सहित सभी खिलाड़ियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया, जिसके संबंध में सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने बताया कि खेल सबको जोड़ता है तथा सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार खेल को पढ़ाई में अनिवार्य विषय बनाए। उन्होंने कहा, जिन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया वह प्रतियोगिता को जीतने का भाव पैदा करे तथा शरीर को स्वस्थ रखे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो खेल अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, युवा देश का भविष्य होता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक शीतल पांडे ने कहा, यही कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने टेबल टेनिस की खेल में भाग लिया, अच्छा प्रदर्शन किया, वे अपने खेल में के प्रति इतने रुचि रखे हैं खेल में कि हर प्रतियोगिता को जीतने का काम करें, क्योंकि जब ये भाव पैदा होगा प्रतियोगिता हम कंपटीशन देना है, आगे बढ़ना है, तो खेल साफ सुथरा होगी और खेल में निखार होगा। दूसरी बात यह है कि खेल हम मांग करना चाहते हैं कि खेल को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थियों को हर कॉलेजों में विश्वविद्यालय से लेकर के खेल को अनिवार्य विषय के रूप में लिया जाए, और जब शरीर स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ दिमाग होगा, तभी स्वस्थ नागरिक भी होंगे और राष्ट्र भी मजबूत होगा। युवा ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी किसी भी समाज और देश की होती है। युवा परिवर्तन के वाहक होते हैं। हम चाहते हैं कि युवा जिस क्षेत्र में रहते हों उसमें रुचि लेकर के आगे बढ़ें। खेल ही में देखिए, हमारे यहाँ के युवा इतने खेल में अच्छा प्रदर्शन किए ओलंपिक में,
ये दहिया हैं, बजरंग पूनिया हैं, अन्य महिला चोपड़ा हैं जो उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों के खेल को देखें और इनके मार्गदर्शन को ध्यान में रख करके खेल को आगे बढ़ाएं।